कहाँ हो नंदन? मैं प्लेटफॉर्म 1 में हूँ, कोच पोजीशन 7। इट्स ओके, मैं वहाँ आऊंगी। तुमने खामखा इतनी हड़बड़ी की, अभी तुम्हारी ट्रेन 40 मिनट लेट है। हे भगवान, मैं बस में जाऊं क्या? हंसो मत, अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुंच जाती तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरा एंटायर यूनिट वहाँ पर है। अभी तुम्हें टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी किस्मत में आज कोटेम जाना है तो तुम वहाँ जाओगी, बस उतना ही है। ऐसा मत बोलो नंदन। मैं सीरियसली बता रहा था अनु, तुम्हें घर से पिकअप करने के लिए मैं ऑफिस से 4 बजे निकलने वाला था, तभी वो बंदा चाको हमारे ऑफिस में आया, उसके 4 आई विटनेसेस दूसरे तरफ चले गए। और फिर अब क्या होगा? अभी सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो पाएगा। मैं उसके साथ जाके वो बिल्डर से बात किया, उसके लिए एक अच्छा अमाउंट भी फिक्स किया, उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उस बिल्डर के पास जब मैं बैठा था तब तुम कॉल कर रही थी, मैं कैसे उठाऊंगा फोन? मुझे पता नहीं था ना, सॉरी। सॉरी, तुम सब कुछ खत्म करके घर आना। और एक बात, तुम वहाँ कॉल करके उसका सिचुएशन पता कर। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। कब तक वो वेट करेंगे पूछो? अगर ट्रेन लेट हुआ तो मैं कोटेम तक ड्राइव करता हूँ। ओह, ऐसा भी एक ऑप्शन है ना, थैंक गॉड। और नहीं तो क्या, हर बात के लिए सोल्यूशन है। मैं हूँ ना। उपहार मांगने के लिए गई थी मैंने, अगर वहाँ जो कुछ हुआ। आप इन पे कभी भरोसा मत करना, इन्होंने प्लान करके मुझे ट्रैप करने का साजिश किया है। ये अभी बहुत सीरियस हो गया है मिस्टर थॉमस, यहाँ के सभी लोग यही बात कर रहे हैं। अभी ऑपोजिशन ने बोला है कि आपको अपना रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा, बहुत प्रेशर है आप पर। मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत भरोसा है, यहाँ पे कानून भी है और अदालत क्या भी है। ये अच्छा नहीं होगा कि आप पहले रिसाइन करें और फिर फॉर्मेलिटीज करें? इसके बारे में तो सिर्फ मेरा पार्टी डिसीजन लेगा, और उनके डिसीजन पे मैं सहमत भी रहूंगा। आप इस स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? माँ, आप चैनल क्यों चेंज किया? तू ठहर, देवी महादेवी का पूजा चल रही है ना, इसमें क्या है ऐसे देखने के लिए, सुबह से बस बातें करते रहते हैं। आज डिनर आप जल्दी खत्म किया है क्या? हे माता अम्बे। अरे आज तो प्रोग्राम देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपका ओपिनियंस बोल रहे कि आप बहुत चालाक है, क्या यही कारण से आप इतना खुली यहाँ बैठ रहे हैं? मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिस्टर हूँ, और पिछले 40 सालों में मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत क्लीन रहा है, और वो आपको भी पता है, और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हो। हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर मिनिस्टर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिएगा कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, कल उसके ऊपर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी निकल सकता है। और कोई सवाल? अब मैं सांस ले सकता हूँ ना? सब लोग खाना खा के ही घर जाइएगा, और आप भी मैडम, इंटरव्यू के बाद तो बहुत थकान होगी ना आपको। हो गया ना? मैं फोन करूंगी। ओके। एडवोकेट साहब थे क्या? हाँ हाँ, जाओ बात करो। आप जैसे कपल्स बहुत डेंजरस होते हो, क्योंकि आप लोग मिलके हमारा जीवन नामुमकिन कर देते हो। एडवोकेट साहब केस बनाते हैं और बीवी उसका इंटरव्यू करके पूरे दुनिया में फैला देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों करना क्या चाहते हो। सॉरी सर। इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं बस एक मजाक कर रहा था, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एडवोकेट साहब को भी मेरा प्रणाम दे देना। ओके, चलिए तो फिर हम निकल रहे हैं, कल सवेरे एक फंक्शन पे जाना है, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय। हेलो, क्या बोल रहा था अपना मंत्री? क्या बोलूंगी मैं, ये सब करने के बाद भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुमने मिस किया, मैंने नोट करके दिया था ना। मैंने मिस आउट नहीं किया था, वो पॉइंट मैंने अवॉइड किया था। अक्यूज को फायर करने के लिए ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है नंदन, पूरा का पूरा लोग ये लाइव पर देख रहे थे। ऐसे उसके पीछे चल चल के हर एक घंटे में उसका न्यूज रिपोर्ट करना बहुत ही चीप सी बात है।
और कोई ऑप्शन नहीं है नंदन। डिनर हो गया क्या? अच्छा, मैंने खाया कि नहीं? तुमने यहाँ पे बहुत कुछ बना के रखा था। कोई बात नहीं, मैं कुछ डोसा बना के खा लूंगा। थॉमस चाको ने हमारे लिए स्पेशल मटन बिरयानी अरेंज किया है। संभाल के खा लेना, लोगों को उल्लू बना के तुम्हें मटन करी खिला रहा है, देख लेना। कुछ भी बोलो, वो बहुत चालाक है, वो तो मुझे समझ गया। टू डिसेप्टिव। वहाँ का रहन सहन ठीक है ना? कुछ चाहिए तो अपना वो मोहन का नंबर है मेरे पास, चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नंदन, आई एम परफेक्टली फाइन। कल है ना मारंगरा हियरिंग? हाँ हाँ, कोर्ट में जाने से पहले वहाँ तक एक बार जाना है। जजमेंट के पहले उनके जगह में कहीं एक पूजा हो रहा है, उन्होंने मुझे भी बुलाया है वहाँ। इस बार जीत हमारा होगा नंदन, पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। फिर मुझे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उस थॉमस चाको को रोस्ट करना है। देखते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हम। यू डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। चौबीस तारीख 2 बजे, तयकार गेस्ट हाउस में। अगर सच बोलना है तो मंत्री ने आपको क्या किया? वकील से मुझे क्या छुपाना है, उस दिन मैंने वहाँ गया, अगर रेत लेना नहीं छोड़ा है तो मैं सत्याग्रह करने को बताया। जरा देखिए कौन बात कर रहे हैं। हेलो, कौन है? हाँ बोलिए। हाँ, उस दिन उससे मजाक से ले लिया, उसने कहा है कि घर के सामने आ गया तो सभी लोगों को तंग आता है, मेरे लिए शेड डाल के देता है कि सत्याग्रह करने के लिए। हम लोगों के लिए इतना भी मदद कर सकते हैं कि वो? अच्छा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया है कि हमें जीने के लिए यहाँ स्थल नहीं है, उसे छोड़कर वो तो मजाक कर रहे हैं, जो मेरे मुंह में आया बता दिया। और उसके बाद? बाद में क्या? बाद में कुछ नहीं, जो भी कहूँ उसको तो शर्म ही नहीं आ रहा है, वो तो बायस है, जंगली आदमी कहेगी। अच्छा, तो आपने जैसे बोला वैसा हुआ नहीं है वहाँ पे? वो तो कितने बरसों से ये अन्याय हो रहा है, सोने समझकर ही ना ये रेत ले जा रहे हैं। वो रेत नहीं ले जाने के लिए तो सरकार ही कह रहे हैं ना, हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ नहीं तो हम कहाँ जाकर जिएंगे, मरना है तो सभी लोग यही मरेंगे। उसके लिए ही हमने कोर्ट में केस दिया है। हाँ, क्या केस है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं केस होता है। वकील ने बताया है ना पिछले साल वोट लेने आया है, कुछ भी किया है क्या वो लोग? इन सब चैनल वालों के साथ वकील भी आया है ना, हमारे सब समस्याओं को रो कर बताया है ना, तब भी कोई मुड़कर भी नहीं देखा। सुनो, राष्ट्र टीवी वाले प्रोग्राम करने वाला है, वो लाइन में बात कर। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अगर लाइव है तो आने को कहो, नहीं तो चुप बैठने को कहो। हेलो, हाँ सुनिए। आप सभी लोगों को तंग मचाइए, किसी को शर्म नहीं है, इन जैसे लोगों को नजरे में क्या कहूँ, मुझे कहाँ नहीं जाता है, इस देश में औरत को ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बात सही भी है, करप्शन के नाम पे किसी मंत्री को यहाँ पनिशमेंट नहीं मिला। अगर किसी ने कभी रिसाइन किया हो तो वो एक लड़की के मामले में ही है। हमारे केस में भी कोई पंगा हो सकता है एडवोकेट सर? हे, बहुत सारा मीडिया पब्लिसिटी अभी तक हमें मिला है, जुडिशरी को आसान से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओ, आप लोग ने केस के बारे में बात कर रहे, वो तो कभी नहीं हो जाएंगी। देखिए भैया, इधर सीएमसी फैक्ट्री आए तो ज्यादा लोग को काम मिल जाएंगे ना। उससे क्या होगा सुधी, आप लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये फैक्ट्रीज में हम क्यों काम करें? काम क्यों नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छा है ना। तू तो चुप रह। हो, अगर कॉलेज गया है तो बड़े आदमी बन गया हो क्या? हे, उसको अपना राय बताने दे, आ जाओ। तुम ऑफिस नहीं गए आज? आज तो छुट्टी है भैया, इसलिए आज घर पे हूँ। क्या है मिठाई, अच्छा माल है? चाहिए क्या आपको? कार में ले ही चाहिए, घर पे अनु नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। कोर्ट हमारे पक्ष में बोलेगा, हम यहाँ आगे भी रह सकते हैं ना। घबराने की कोई बात नहीं है, सच हमारे साथ है, सच को हरा नहीं पाएंगे वो। मैं चलता हूँ। कोर्ट पर आज बोला हुआ है कि एक केस बहुत बड़ा ऑफेंसिव है, जज ने यही बोला है। परसों मारंगरा का फाइनल हियरिंग है, आपको डर लग रहा है? मुझे डरने की क्या जरूरत है, सच्चाई तो आपको पता लगेगा और सच्चाई को ही न्याय मिलेगा। बाहर बात चल रही है कि सीएमसी डायरेक्टर सैम मेंडिस और रजी नायर आपसे मिलने के लिए कोटायम आए थे। आप ही बोल रहे हो कि ये रूमर है। जो भी थंगम्मा राजन ने बोला है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, यही साबित कर रहा है कि आपको माइनिंग केस में भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है।
सीएमसी ग्रुप के साथ आप उस केस में फिफ्थ अक्यूज्ड। मैं जरूर स्थापित कर सकता हूँ कि ये सब चार्जेस सिर्फ झूठे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मारंकरा में थोड़े लोग हैं जिनको सच पता है और वो प्रूव कर पाएंगे कि मैं इनोसेंट हूँ। धन्यवाद। एकदम खड़ूस साला है, देखा मुंह तक नहीं खोला। छोड़िए ना, अब तो गेस्ट हाउस में हम लोग को डिस्कशन है ना। हे अनु, क्या सोच रही हो? हम सबको धोखा देके क्या एक्सक्लूसिव न्यूज अपने लिए लेने की सोच रही हो? नहीं नहीं, मुझे रूम जाना है, बहुत नींद आ रहा है। गुड नाइट। बोलिए दीदी। क्या हुआ सुधी? ये डुप्लीकेट के हमको मिल गया। ओके, आई लॉग इन राइट नाउ। हेलो दीदी, आप सुन रहे क्या? यस, पैन योर कैमरा अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट। अब ठीक है ना? परफेक्ट, फाइन। अभी सिर्फ मॉनिटर बंद करो। ओके। कौन हो तुम? सर, हम तो कंप्यूटर मैकेनिक है, इसमें तो एंटीवायरस आ गया, मैं देखने के लिए आया। तो फिर जाओ यहाँ से। सॉरी सर। अच्छा सर, वो दरवाजा बंद करो और मुझसे पूछे बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? ठीक है सर। दिन भी निकल रहे हैं और समस्या भी बढ़ रहे हैं भाई। आप क्या बकवास कर रहे थे वो मीडिया के सामने? इधर कौन आके विटनेस देने वाला है? ये बात पकड़ के वो लोग उसका पीछा रोज भागेंगे। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आप सीधा जाके सीएम से मिलके बात करो, वो जरूर तुम्हें रिजाइन करने के लिए बोलेंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला है। तुम्हारा पार्टी, जनता, सब तुम्हारे खिलाफ है। वो सब मुझे पता है। मुझे पता था कि सब लोग इसी के इंतजार में थे, और मुझे ये भी पता है कि ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है, और आज सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, और इस सब का प्लानिंग उस एडवोकेट ने किया है। जो हो गया हो गया, उसको छोड़ दो। इससे बाहर कैसा निकलना है वो सोचो। आप रिजाइन करने से क्या होगा आपको पता है, एक एक करके तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, वो भूलना मत। सब आप तो एक यात्रा करिए ना, वो यात्रा से पूरी पब्लिसिटी आपको आ जाएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। पावर इस दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन होता है, और हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं है। उन्हीं की वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। पर अगर मेरी कोई गलती ना होने से मुझे रिजाइन करने को बोलोगे, मैं नहीं करूंगा। फिर क्या करेगा? वो सीएमसी शिवन को बुलाओ। वो काम मत करो। मोबाइल से कॉल मत करो, बाहर जाके एक पीसीओ से कॉल करो और उसको बोलना कि एक घंटे के अंदर अंदर यहाँ आए। मुझे डर लग रहा है, छोड़ दो उसको। इन मीडिया वालों को सिर्फ एक न्यूज चाहिए, और उनको न्यूज अब मैं दूंगा, और पूरी दुनिया इस न्यूज पे सेलिब्रेट करेंगे। वेबकैम को किसने चलाया है? आप क्या बोल रहे? कंप्यूटर नया किया क्या? सिर्फ वो मॉनिटर बंद है, सीपीयू तो अभी भी ऑन है। ये किसी ने जानबूझ के किया है। ए, ए, बोल, ये तुमने किसके लिए किया है? उसका फोन दो। आ,
अनुराधा नंबर उसे छोड़ना है। हेलो सिद्धि, मुझे बहुत सिक फील हो रहा है सिद्धि। पता है मैंने अभी क्या देखा वहां पर? उसको पता चला है कि वेबकैम ऑन था। वो हमें ट्रेस नहीं करेंगे ना। तुम्हें अभी ही मारंगरा जाना पड़ेगा। मैं ये अभी एयर करूंगी। हेलो हेलो। वो तो रूम में नहीं। क्या क्या उसने रूम वैकेट किया है? हाँ सर, बैग और आईडी कार्ड रूम में भी है, सभी जगह में। हमारा आदमी चले गया, वो तो एस्केप नहीं हो सकते। नहीं, वो काफी नहीं होगा। हमारा सेफ रहना ही आपका जरूरत है। कल के पेपर का प्रिंटिंग शुरू हुआ होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है? उनको कॉल करके बोलो कि आगे के पेज में थोड़ा जगह रख दे। मेरे पास एक न्यूज है, ये होना चाहिए कल का हेडलाइन। ये लड़का, वो एडवोकेट और उसकी बीवी। समझ में आया? हम अभी किधर पहुंचा है? किधर पहुंचा है हम? कौन कहां पहुंचा? अरे क्या स्टेशन क्रॉस किया है? अभी 20 मिनट में गुरुवायूर पहुंचेगा। अरे भगवान, हमको नेल्लाई जाना पड़ेगा। और फिर क्यों नहीं उतरे? ओवरटाइम ड्यूटी है ना, आज लेट हो गया, ट्रेन मिस किया और अभी सो गया। अगर जरूरत है तो ये चेन खींच सकते हैं। उसके बाद पीछे भाग जाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चेन खींच करना है क्या? अगर मेरे जैसे साथ में स्टेशन में उतरेगा और चेन खींचेगा तो गाड़ी कैसा डेस्टिनेशन जाएगा? तो फिर चेन मत खींचो, बाहर कूद लेना, सिंपल सी बात। अरे आप इस रात हमको बेवकूफ कर रहे क्या? अभी मैं इतना नाराज है, अभी तक घर नहीं पहुंचा, लेकिन आप हमको बेवकूफ कर रहे हैं। अच्छा वही बात है, तो इधर आइए, यहाँ बैठिए, गुरुवायूर तक मैं आश्वासन देता हूँ। अच्छा आप तो कॉमेडी एक्सपर्ट है। क्यों भैया, आपको कॉमेडी पसंद नहीं है? अरे कॉमेडी बोलने के लिए कुछ टाइम है भाई। अच्छा वो मुझे पता नहीं था। सुबह 9 से 12 तक कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजेडी, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं भाई, अभी तो मेरा ऐसा आदमी कॉमेडी एंजॉय करेगा उसका नींद में, क्योंकि पूरा दिन उसका जिंदगी में ट्रेजेडी है ना। सही फिलॉसफी है ये तो, आप किसी भी तरह पकड़े रहेंगे। ओ बहुत शुक्रिया भाई। अरे भगवान मैं क्या करेगा मालूम नहीं। गुरुवायूर में वापस जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगा? वो तो कैसा होगा, 7 बजे और 1:30 बजे एर्नाकुलम फास्ट है, 9 बजे और 5 बजे त्रिशूर पैसेंजर है, और रात को 9 बजे चेन्नई गुरुवायूर मेल है। इस रूट में और क्या गाड़ी है? ये सब मालूम होते हुए भी आप सो गए? वो तो हमने एक्चुअली वो क्या कल सुबह फास्ट पैसेंजर पकड़ के घर जाने से पहले मंदिर का शिवलिंग खत्म होगा। घर पे खुद ये सब बातें हैं क्या? अरे भाई साहब ऐसा मत बात कीजिए। भाई आप तो भयंकर हो, सभी बातों में जानकारी है आपको। आज का दिन बहुत खराब है, फोन का चार्जर भी चला है। कहीं कॉल करना है तो? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें चार्ज है, कॉल करो। ये आइडिया नहीं तो BSNL है, आपका पोस्टपेड नहीं तो प्रीपेड है। एक कॉल करने के लिए ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर इंक्वायर करेगा तो हमको मालूम होगा ना एक कॉल के लिए चार्जेस क्या है। आपको वो कॉल चार्जेस देना पड़ेगा ना। मेरा जिंदगी में स्ट्रेंजर से फ्री कुछ नहीं मांगता है। ये BSNL पोस्टपेड है, कॉल करने के बाद पैसा देना। इसमें नेटवर्क नहीं है। दिखाओ। अच्छा इसमें रेंज नहीं है। मैंने सोचा कॉल करके वाइफ को इन्फॉर्म करना। अब गुरुवायूर पहुंचेंगे वहां से कॉल करते हैं। वैसे भी अपना परिचय कराता हूं मैं एडवोकेट नंदन मेनन। आप एक एडवोकेट है क्या? झूठ बोल करके पैसा अर्न कर रहे हैं? कभी कभी सच को रूबरू करने के लिए थोड़े झूठ भी बोलने पड़ते हैं। फिर भी झूठ कभी भी झूठ है ना। एक सवाल पूछना है आपको, ये आपका प्रोफेशन है ना, आपका मन में गिल्टी फीलिंग नहीं है क्या?
उसके लिए एक दवाई है। दवा? जब भी गिल्टी फील हो तब एक डोज ले लेना। एक हफ्ते के लिए कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होगा। दवाई का नाम नोट कर लो, गिल्टोमाइसिन। ओ ह्यूमर ह्यूमर, अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं तो क्या। अब क्या करने वाले हो? मैं तो वापस घर जाएगा बस। सर, वापस त्रिशूर की दिशा में कोई गाड़ी है? अच्छा, आप सो गए थे क्या? यहाँ पे तो ये चलता रहता है। मैं नहीं, ये सो गए। नेल्लाई में उतरना था। वापस जाने के लिए अगर ट्रेन चाहिए तो वो तो कल सुबह ही मिलेगा। सर, इधर से बस मिलेगा? वहाँ तक जाने वाले बसेस तो मिलेंगे पर कोई रिलायबल नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, यहाँ ठहर के सुबह चले जाना। अगर आपको यहाँ सोना है तो डॉर्मेटरी रेडी कर दूंगा, बस बोल दीजिए, मैं अपने रूम में रहूंगा। मेरे लिए एक होटल रूम है इधर। मैं और मेरे वाइफ के लिए एक डबल रूम था, अचानक से उसके लिए एक असाइनमेंट आ गया। वो राई टीवी में एक न्यूज एडिटर है। अच्छा, ठीक है। उसका नाम क्या है? अनुराधा, अनुराधा नंदन। ओ, मैं देखा है उसका प्रोग्राम्स। आधा किराए दे सकते हो तो मेरे साथ रह सकते हो। वो क्या है ना, पैसे के बारे में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो ना। वो एसी रूम है क्या? ऐसा है तो मैं कल शाम तक सोएगा क्योंकि मेरा घर में एसी नहीं है। ऐसा है तो डॉर्मेटरी बेस्ट है। अब बात यहाँ तक आ गई तो एक चाय पी के भाई कहें क्या? बट हमारा हमारे में क्या मालूम है। यहाँ आइए ना, मेरा चाय का पैसा मैं पे करेगा, ठीक है? चाहे तो मेरा भी दे देना। वो तो मेरे लिए मुश्किल है। आपका एक फोटो मुझे चाहिए, हर दिन मुझे देखना है। लेकिन मेरे पास नया फोटोग्राफ नहीं है। क्या बात है। यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आप बोल देना आप आ रहे इसलिए वो चला गया। अच्छा, भाई साहब को भी कॉमेडी आती है। लेकिन एक बात है, घर पे अपनी वाइफ और बच्चों को सुनाने के बाद ही ऐसे कॉमेडी बाहर बोलना चाहिए। तो आप भी ऐसा टाइप है ना? बाप रे बाप, और बात नहीं कर सकता मैं आपसे। आप यहाँ से कैसा जाएगा? क्यों, मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? यहाँ पास में ही है, मैं चल के ठीक है। अगर बुरा नहीं मानेंगे तो फिर मिलेंगे। ओके, चलता हूं। चार पांच आदमी आके उसको मार के वो उसको लेके गया। कौन? सर, अभी मेरे साथ बात किया ना इधर। हाँ। एडवोकेट नंदन मेनन। सर, अभी हमको पुलिस को रिपोर्ट करना है सर, मैं इधर से कॉल करेगा। हाँ। सर,
अनुराधा Who are you? आप घर को एक कॉल किया ना, मैं वो कॉल रिसीव किया। ऐसा है तो नंदन कहाँ पर है? कल रात हम दोनों गुरुवार पैसेंजर में ट्रैवल किया। और फिर? मेरा सामने 3-4 आदमी उसको किडनैप किया। मैं आपको ढूंढ रहा था इन्फॉर्म करने के लिए। एक्चुअली कल रात एक खून हुआ है, अभी पुलिस आपको ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, हमको मालूम है आप ये खून नहीं किया है, मैं आपको कैसे मदद करेगा? ये सब कौन कर रहे हैं? ठीक है क्या? परफेक्ट। बाहर जाओ यहां से। सॉरी सर। ये सब उस एडवोकेट की वजह से ही है। इन मीडिया वालों को सिर्फ न्यूज ही चाहिए ना, अब मैं उनको न्यूज बना के देता हूँ। We don't have any options. We are playing with millions. I know that, Mr. Sam. We have to do this now. कल जो जजमेंट आएंगे ना, वो तो हमके लिए फेवर नहीं रहेंगे। अब थोड़ा अच्छी तरह सोच के काम करिए ना। अगर मुश्किल हुआ तो हमको लिए बहुत मुश्किल है सर। मुझे पता है मिस्टर शिवन, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ये लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो हरगिज मैं नहीं करूँगा। एक बड़े दुर्घटना के बीच में लोग बाकी सब छोटी चीजें भूल जाएंगे। जो भी हो, इन सबको तो एक दिन मरना ही है, पर उसका वजह अभी तंगमा बन गई है। उस दिन मुझे प्लेन क्रैश होने समय कंसीडर मत करो, इसलिए इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा क्या? 1-10 लड़कों को भेज के कम्युनल इश्यू कर देंगे, बस उनको कौन पकड़ने वाला है? हाँ हाँ, ये सब तो तुम्हारे बेकार पुलिस ब्रेन की वजह से है। कम्युनल राइट्स और टेररिज्म तो बड़ी बोरिंग है। इसके अलावा जो भी होगा, सभी का नजर मेरे ऊपर ही होगा, तुम्हें पता है। मैं तो आपको एक डेमो दिखाऊंगा, तुम्हारा संदेह क्लियर हो जाएगी। ये तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में बहुत बड़ा एयरपोर्ट्स में ये भी एक है। तहेर एक तो एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट, कल शाम को 4:20 को टेक ऑफ हो जाएगी। कोच्ची में उसका फैक्ट्री है, वहाँ तक ये लेकर ले जाएंगे। इसके बारे में बहुत कम लोग को पता है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हमारा टारगेट यही है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। ये तहेरिया एयरक्राफ्ट वो छोटा गांव को सर्वनाश करने के लिए ये सोच रहे। ये फ्लाइट शाम को 5:50 को उधर पहुंचा जाएंगी। फ्लाइट को छोड़ के पायलट कैसे भी एस्केप हो जाएंगे। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वो गांव पर सर्वनाश कर देंगे। उसके बाद वो गांव पूरा सर्वनाश हो जाएंगे। सब लोग देखे तो ये तो फायर एक्सीडेंट का तो समझेंगे। लिकर बॉटल्स वो पूरा गाँव को सर्वनाश कर देंगे। उसके बाद वो गांव में कोई भी नहीं जी सकते, देखने के लिए बहुत भयानक रहेंगे, कोई भी सोच नहीं सकता। किसी को भी अंदाजा भी नहीं होगा कि ये सब मैंने प्लान किया है। ये बहुत अच्छा प्लान है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। इसके बाद तंगमा भी नहीं रहेगी और हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। इस वेबकैम को किसने ऑन किया है? ये हमारा देश में होना वाला है क्या ये सब? वो लोग सुदी को मर्डर किया है, मुझे और नंदन को ट्रैप किया है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, हजारों लोग मर जाएंगे। आज शाम को 4:20 वो फ्लाइट मुंबई से टेक ऑफ होगा। आप अभी नंदन को कॉल कीजिए ना, उसका प्रेजेंट सिचुएशन मालूम होगा। स्टॉप है। mm-hmm.
हम सेफ है साहब। डीजीपी को मंत्री साहब को बोलो ना हम ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ले लो ना। बोलो ब्रदर, मैटर सीरियस, उसके सिर से ज्यादा खून आ रहे, 4-5 घंटे के तक काम हो जाना चाहिए, समझ गए? साहब उठ गए क्या? हम ये सार घर तक जाके आए, उधर नहीं मिला, गुरुद्वार में मिल गया। सर के ऊपर क्या पड़ा है वो? मैं आपको जानता हूँ, आप यहाँ के गुंडा शाहजी हो ना। अच्छा पहचान है, ये बात अब तक उनको भी मालूम नहीं। कौन सा मंत्री के बारे में उन्होंने अभी बात किया? क्या आप ये सब थॉमस चाको के लिए करते हो? हमारा पास इतना समय नहीं बेकार के बात करने का, साहब रिश्ते लेना है ना। इधर से भाग जाने की कोशिश करके हमें काम नहीं देना। वैसे भी जैसे आप चाहते हो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे मारो तो भी। हम जानबूझकर किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन मारने के लिए बोलेंगे तो पक्का मार देंगे हम, हमारा धंधा यही है ना। हेलो, कहाँ हो तुम? नंदन कहाँ है? नंदन तो मेरे पास ही है, अगर तुम अभी दिमाग लगाओगी तो तुम और नंदन भी जीवित रह सकते हैं। अगर मैंने एक बड़ा साजिश रचाया है तो मैं ही हूँ जो तुम्हें उससे बचा भी पाएगा। तुम्हें पता है कि मैं वादों का पक्का हूँ, क्यों? मुझे नंदन से बात करना है। उससे बात भी कर पाओगे और उसके साथ अपना पूरा जीवन खुशी से बिता भी सकते हो, मैं तुम्हें वादा देता हूँ। पर तुम्हें पता होगा कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। मुझे नंदन से बात करना है। तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे सिचुएशन में डर शोभा नहीं देता, जस्ट बी प्रैक्टिकल। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे नंदन से बात करना है, मैं जानना चाहती हूँ अगर वो जिंदा है कि नहीं। ओके, मुझे समझ में आ रहा है, अगले 5 मिनट के अंदर नंदन तुम्हें कॉल करेगा। और इस बार अपने तरीके से कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना, इस वीडियो का एक और कॉपी बनाना और मीडिया में देना। अगर तुम्हें नंदन नहीं चाहिए तो फिर ऐसी चीजें करने की कोशिश कर सकती है। मुझे पता है कि तुम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उस शाजी को कॉल करके बोल दो, और तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है ना। ये तुम्हारा बीवी है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। अनु को क्या हुआ? किधर है वो? आप ही पूछ के जान लो। नंदन, गाड़ी रोको भैया। नंदन, अनु कहाँ हो? नंदन, मुझे अभी मिलना है। मैं ठीक हूँ अनु, वहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? कुछ नहीं कर सकते नंदन, सभी उनके साइड पर है। अनु, तुम सेफ हो ना? बताओ। गुंडे लोग, पुलिस, सभी मेरा पीछा कर रहा है, मुझे क्या करना है नंदन? अनु, चलाओ, इसके बाद मैं ही बात करूँ। नंदन, इसको बांधो। चुप रहे। नंदन, साहब को कुछ नहीं हुआ मैडम, मिनिस्टर जो पूछ रहे हैं ना वो चीज, मैडम जाके अपना हाथ से सेंट जोसेफ चर्च में जाके हमारे आदमी से मिलो, ब्लैक पल्सर में एक आदमी उधर आएगा,
लैपटॉप उनका हाथ में दे दो। लैपटॉप मिलने का तुरंत आपका सार आपके घर में पहुंच जाएगा। नो, मैं ये नहीं कर सकती। मैडम को हम जो बोल रहे समझ में नहीं आया क्या? जो बात बोलेगा उसी पे हम खड़ा होंगे, ठीक है? सेंट जोसेफ चर्च। हेलो, हेलो। क्या हुआ? नंदन कहाँ है? मुझे पता नहीं है, सेंट जोसेफ चर्च जाना है अभी आधे घंटे में। हम उधर जाएगा तो नंदन को मीट करेगा? मुझे पता नहीं है, उनका लोग वहाँ आएंगे और मुझे ये देना पड़ेगा। ये हम रखना? तो बाकी सब लोगों का जिंदगी क्या हुआ? मैडम हमको एलेक्स कोशी को थोड़ा मीट करना है। किस बारे में बात करनी है? ये मेरा एक पर्सनल मैटर है, मैं उसको इन्फॉर्म किया मैं आएगा। सीधा जाइए, पहला लेफ्ट ले लीजिए, एलेक्स सर का कैबिन है वो। थैंक यू। नहीं सर, उसके पास बात करने के लिए जरूरत नहीं, हमको पूरा याद है। हमको इधर ज्वाइन करने वाला आदमी भी थॉमस आ रहे। नहीं सर, नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं चल रहे, मैं सच्ची बोल रहे हैं, अनु को जो ऑप्शन भी नहीं। सब हम दो जने जरूर मिलेंगे, मिलेंगे सब। कौन है? आपका चेयरमैन इधर है क्या? जी हाँ, बोर्ड मीटिंग चल रहा है। हमको इस वक्त अभी उसको मीट करना है। सॉरी, डायरेक्टर्स के अलावा बाकी सबको वो रूम में एंट्री मना है। प्रायर अपॉइंटमेंट के बगैर चेयरमैन से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए ऑप्शन नहीं मैडम, इस वक्त मैं उसको देखना पड़ेगा जरूर। आप लोग क्या तो बोलो, अनुराधा जो कर रही है ना, हम उसे नहीं मान रहा हूं। और एक बात, चैनल का नाम बचाने के लिए उसका खिलाफ हम हमारा चैनल कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। लेट अस वेट, सच क्या तो पता नहीं दो। सर माफ कीजिए, आपके साथ एक जरूर बात करना है सर, और सिर्फ एक मिनट के लिए सर। सर अभी से 30 मिनट के बाद हजारों लोग यहाँ मरेगा सर, अगर आप मदद करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा सर। सर हमको विश्वास कीजिए सर, सर मैं आपको झूठ नहीं बोलेगा सर, सर प्लीज विश्वास कीजिए सर, सर सर मैं आपको झूठ नहीं बोलेगा सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज छोड़ने का बोलेगा सर। जस्ट वेट, छोड़ दो उसको। हाँ बोल, क्या बोलने वाला है तू? एक्चुअली फ्यू मिनट जेंटलमैन प्लीज। इधर देखो, क्या बात है? सर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ सर, लेकिन कल रात से मेरा जिंदगी में मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है सर, ऐसा पहला नहीं हुआ सर। सर आपका स्टाफ अनदर काम कर रहे हैं, अनुराधा नंदन, मैं उसको मीट किया है सर, ये कौन वो नहीं किया है सर। सर उसको एक पॉलिटिशियन ट्रैप किया है सर, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है और पुलिस बाहर वेट कर रहे यही एविडेंस के लिए सर। उसका सबूत क्या है? ये एविडेंस अनुराधा हमको दिया था सर, और हमको बोला था यहाँ का मोस्ट ओबीडियंट और सिंसियर ऑफिसर को ये देना है, और मैं इधर आया था और हमको मालूम हो गया वो भी पॉलिटिशियन को मदद कर रहे हैं सर। हमको मालूम नहीं आप भी ये ग्रुप के साथ है, मैं आपका पिक्चर देखा है सर, लेकिन पर्सनली मालूम नहीं है सर। आप मुझे विश्वास कर सकते हैं? बोलो। अनुराधा काष्पनंदन मेनोन शायद अभी मर जाएगा, और वो आदमियों अनुराधा को भी मार डालेगा सर। उसका लाइफ सेव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन वो सोचा था कि हमारा आदमी का जिंदगी सेव करना है। शायद इस कलयुग में ऐसा हस्बैंड वाइफ कोई नहीं होगा सर, उसका त्याग के लिए अर्थ चाहिए सर। अभी 30 मिनट के बाद इसमें मेंशन किया ना वो फ्लाइट, वो वहां से स्टार्ट करेगा सर, उसके बाद हम भी हेल्प नहीं करेगा, सच्चाई बाहर आना पड़ेगा। आप वो पैसेंजर्स के बारे में मत सोचिए, लेकिन अभी आपके एक कर्तव्य है सर, आप वो कीजिए सर। Give it to me.
आपका चेयरमैन को मीट किया और उसके साथ बात किया, वो अभी टेलीकास्ट करेगा। नंदन, आपका सिचुएशन का बारे में अभी चेयरमैन को मालूम हो गया ना, इसलिए आपका कोलीग्स अभी आया है, आप इनके साथ जाइए। चलो अनु। ईश्वरा, बोलो अभी क्या करना है? आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे गर्भ में छोड़िए। अरे भाई, वो लैपटॉप इधर भूल गया। पूरे केरल को शॉक करने वाले ये न्यूज लेके आई है अनुराधा नंदन, एक बहुत ही फियरलेस और करेजियस तरीके से। सुधीर के मर्डर केस में अनुराधा नंदन और उनके पति एडवोकेट नंदन को गुनेगार माना गया है, और वो भी होम मिनिस्टर की वजह से। अब सबको पता लग गया है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। इस केस में मुख्य आधारित डीजीपी को सस्पेंड किया गया है। ये जानकर सब लोग बहुत गोशाकुल हैं। सब लोग ये न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन इधर का मंत्री ये बम विस्फोट होने के बाद मंत्री जॉर्ज थॉमस को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। उसे किसी समय भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को गवर्नमेंट आदेश दे दिया है। ये तू क्या किया? चेन किस लिए खींचा है? किधर जा रहा है? पागल हो गए क्या? अरे दोस्तों, वो टाइल फैक्ट्री के अंदर एडवोकेट नंदन मेनन होगा। आज हजारों लोगों का जिंदगी सेव हुआ ना, उसका कारण नंदन मेनन है। लेकिन उसका लाइफ अभी डेंजर पे है। दोस्तों, हमारा साथ अभी आप आएगा तो उसका लाइफ हम सेव करेगा। वो आपका कौन है? आपको दिमाग है क्या? नहीं, चलते से गाड़ी को स्टॉप कर को ऐसा बात कर रहे। तुमको काम नहीं तो ऐसा काम करो ना। वो तो मेरा कोई नहीं है, फिर भी हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आपका थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए ना, उधर पूरा गुंडास होगा, अकेला मैनेज करना मुश्किल होगा। शायद आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरा आदमी उधर जाएगा तो जरूर उसको मदद करेगा। अरे आप रेलवे पुलिस को बुलाइए ना, पता नहीं ये कब सुधरेंगे।
वो आदमी किधर है? मतलब वो लोग मुझे मारे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना? नंदन, नंदन, एक्सैक्ट टाइम हॉस्पिटल लेके आया, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। डॉक्टर भी अभी बोला था वो आउट ऑफ डेंजर है। हाँ, हमें माफ करना अनुराधा। वो आ गया है। कहाँ गए थे आप इतनी देर? फोन पे क्या बात कर रहे थे आप? चैनल 8:30 बजे प्रोग्राम। मंदिर का उत्सव कैसा था? उत्सव बड़े अच्छे तरीके से गया। आप अगर नहीं है तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, समझ गए आप? अरे बाबा, चाय पत्ती भूल गए आप? अरे आज भी मैं भूल गया। बस आपसे बोल के तो कोई फायदा नहीं, और चाय नहीं मिलेगा, सुने आप? मारंगरा गांव में होने वाली एक बहुत बड़ी दुर्घटना को एडवोकेट नंदन और उनकी बीवी अनुराधा नंदन ने कैसे भी रोका है। अभी वो दोनों लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव हैं। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस नंदन। नमस्ते। हमने आज तक सिर्फ मूवी के हीरोज को करेजियस देखा है, पर आप एक मामूली सा इंसान होते भी इतने बड़े चीज आप कैसे कर पाए? आप ही हमारे असली हीरो हैं। आपके अंदर कहां से इतना गट्स आया और कैसे कर पाए? मेरा कर्तव्य है या धीरज है मुझे पता नहीं। मैं और मेरी जिंदगी सबसे कीमती है करके सोचने वाले मरने से डरते हैं। इस जिंदगी में जो भी मैंने सीखा है मुझे ऐसा सोचने में मजबूर किया होगा। मारंगरा के लोगों को मैं जानता हूं, उन सारे लोगों का मृत्यु मेरी आंखों के सामने थे। वो हादसा भयंकर था। वो अगर सच हुआ तो, और उसको देखने के लिए मैं जीवित हूं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। सच में शुक्रिया अदा करना है कुछ अच्छे लोगों को। इसकी मदद एक कार ड्राइवर ने की थी। कुछ गुंडों ने मुझे बिना मार के छोड़ दिया। और सबसे ऊपर है, हम दो अजनबियों का मदद करने के लिए शुरुआत से अंत तक हमारे साथ थे। वो आदमी हमारे लिए ईश्वर के समान है। जब उन्होंने देखा मुझ पे अटैक होते हुए, तब से लेके मुझे हॉस्पिटल लेके आने तक वो मेरे साथ ही थे। कौन है वो? हमें भी उनसे मिलना है। पता नहीं, कहीं से भी आए वो। हमारे शुक्रिया अदा के लिए भी इंतजार नहीं किया, वो कहीं और चले गए। शायद उनको अपनी दुनिया में वापस जाने का था। ईश्वर का सहारा हमेशा हमारा साथ होता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नहीं तो हमारी जिंदगी का एक निर्णायक दिवस में बिल्कुल एक अजनबी की तरह वो हमारे पास आए। दूसरों को कभी एक्सीडेंट हुआ तो हम में से बहुत लोग उसको मदद किए बिना चले जाते हैं। क्यों इसके पीछे जाना है करके हम सब सोचते हैं उस टाइम पे। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो किसी एक की जिंदगी नहीं तो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। उसके लिए हम कारण होंगे। उसके लिए ताकत और धीरज नहीं चाहिए, एक दृढ़ता का मन चाहिए। आज उन्होंने ये बात प्रूव किया। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी आप सुन रहे हो तो मुझे आपसे कहना है, मेरे प्रिय मित्र, जिंदगी में कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं। हमारे दुआ में आप हमेशा साथ होंगे। हृदय के भाषा में हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, कृपया करके स्वीकार कीजिए।
शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया।